हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो स्टूडेंट्स, हम HTML की रिवीजन करने जा रहे हैं। अगर हम बुक के अंदर देखते हैं तो ये आपका थर्ड लेसन है। लेसन का नाम है बेसिक HTML एलिमेंट्स, किप्स की ये बुक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्रोग्राम दिखा रहा हूँ। ये एक HTML का प्रोग्राम है, बिल्कुल फर्स्ट स्टार्टिंग एक सिंपल वेब पेज, यानी आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल स्टार्टिंग है। अगर आपको एक सिंपल वेब पेज बनाना है तो उसके लिए आपको ये प्रोग्राम लिखना ही होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि आप इंटरनेट चलाते हैं तो उसके अंदर आप वेबसाइट्स ओपन करते हैं। अब क्वेश्चन ये कि वेबसाइट्स बनती कैसे हैं, तो आपको मैं बता दूँ कि जो वेबसाइट होती है वो वेब पेजेस का एक कलेक्शन होता है और वो सभी वेब पेजेस आपस में लिंक्ड होते हैं। तो वो जो वेब पेजेस बनते हैं उन वेब पेजेस के लिए हम HTML के प्रोग्राम लिखते हैं, और जो HTML के प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्राम होते क्या हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अलग अलग इंस्ट्रक्शंस के द्वारा हम ये तय करते हैं कि आपका वेब पेज कैसा दिखाई देगा। तो इंस्ट्रक्शंस जो आप लिखते हैं उनको हम टैग कहते हैं, HTML के टैग, और सभी टैग्स को मिलाकर एक प्रोग्राम बनता है। तो वो जो प्रोग्राम है आपका वो आप नोटपैड में लिखते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। अब अगर आप एक सिंपल वेब पेज बनाना चाहते हैं तो उसके कुछ रूल हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि सबसे जो पहला रूल है आपका, आप देखेंगे यहाँ पे, ये हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है HTML, ब्रैकेट्स के अंदर है। तो ये जो ब्रैकेट्स के अंदर हमने HTML लिखा है इसको हम कहेंगे HTML टैग, HTML टैग। इसी तरह से प्रोग्राम के लास्ट में भी देखें आप, हमने एक और HTML लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये जो लास्ट में हमने HTML लिखा है इसके बिगनिंग में हमने एक स्लैश लगा दिया है। तो ये भी HTML टैग ही है, लेकिन ये क्लोजिंग टैग है। तो जब भी आपको ये प्रोग्राम बनाएं उसका जो आपने सबसे पहला रूल ध्यान रखना है, जितने भी प्रोग्राम बनाएं उन सब के अंदर, कि हर प्रोग्राम की स्टार्टिंग HTML ओपनिंग टैग से होगी और हर प्रोग्राम की एंडिंग HTML क्लोजिंग टैग से होगी। क्लोजिंग मीन्स टैग के शुरू में आपने स्लैश लगा देना है, तो ये HTML क्लोजिंग टैग। और आपको ये बता दूँ कि HTML के अंदर जो टैग हैं वो आपके दो तरह के हैं, एक तो वो टैग जिनका ओपनिंग भी होता है और क्लोजिंग होता है, तो ऐसे टैग को हम कंटेनर टैग कहते हैं, और कुछ टैग ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ ओपनिंग होता है लेकिन क्लोजिंग नहीं होता, तो उनको हम एम्प्टी टैग कहते हैं। तो फिलहाल हमारा HTML टैग जो है वो कंटेनर टैग है। तो आपको पहला पॉइंट जो बताया वो ये था कि हर प्रोग्राम की स्टार्टिंग HTML ओपनिंग टैग से और HTML क्लोजिंग टैग से होती है। ये फर्स्ट रूल है जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे। सेकंड देखें, HTML के बाद जो अगला टैग आता है वो आपका हमेशा होता है हेड टैग। ये देखें हेड टैग, ये हेड ओपनिंग हो गया और ये हेड क्लोजिंग, हेड ओपनिंग हेड क्लोजिंग। हेड टैग का प्रयोग हम यहाँ पर टाइटल टैग देने के लिए करते हैं। देखिए आप, हेड ओपनिंग और हेड क्लोजिंग के अंदर हमने लिखा है टाइटल ओपनिंग टाइटल क्लोजिंग। हेड टैग का प्रयोग हम टाइटल टैग देने के लिए करते हैं। इसके अलावा हेड को हम हेडर सेक्शन भी कहते हैं। तो ये जो आपका टाइटल ओपनिंग और टाइटल क्लोजिंग है इसके अंदर आप यहाँ पर कोई भी मैटर लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, तो आप यहाँ पर जो भी मैटर लिखेंगे वो मैटर आपका वेब पेज के अंदर टाइटल बार के ऊपर दिखाई देगा। मीन्स आप जो वेब पेज बनाने जा रहे हैं उसके टाइटल बार पे आपने जो भी लिखना है वो आप टाइटल ओपनिंग टाइटल क्लोजिंग टैग के अंदर यहाँ पर जो
ये सिलेक्टेड टेक्स्ट है, यहाँ पर आप लिखेंगे। और टाइटल ओपनिंग और टाइटल क्लोजिंग टैग जो है ये हमेशा हेड ओपनिंग और हेड क्लोजिंग टैग के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ तक आपको प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। अब हेड क्लोजिंग के बाद आपका जो अगला टैग होता है वो हमेशा होता है बॉडी टैग, बॉडी ओपनिंग और ये बॉडी क्लोजिंग। तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि ये बॉडी ओपनिंग और बॉडी क्लोजिंग है तो इसके अंदर ये क्या लिखा है, इसको अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, आपको रिमूव करके दिखा रहा हूँ, इसके बारे में अभी बताता हूँ आपको। अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा अगर आपने HTML पहले नहीं की। तो ये बॉडी टैग है और ये बॉडी क्लोजिंग। बॉडी ओपनिंग और बॉडी क्लोजिंग टैग के अंदर यहाँ आप अपनी मर्जी से कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, चाहे वो आप दो लाइनें लिखे, 3, 4, 5, 10, 20 जितने भी। अब यहाँ पर आप बॉडी ओपनिंग और बॉडी क्लोजिंग सेक्शन में जितनी भी लाइनें लिखेंगे वो सारी लाइनें आपको वेब पेज के अंदर लिखी हुई दिखाई देंगी। तो मैं आपको बता चुका हूँ आप यहाँ पे जितनी मर्जी लाइंस लिखें। अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि हमने ये जो फाइल बनाई वो नोटपैड के अंदर बनाई है। अब हम इस नोटपैड की फाइल को वेब पेज बनाना चाहते हैं। तो इस फाइल को अगर आप वेब पेज बनाना चाहते हैं तो आप क्या करें, इस फाइल को जब सेव करें, तो मैं सेव करता हूँ, फाइल में जाकर सेव। मैंने इसका नाम रख दिया है first.html। फाइल के नाम के आगे .html लगाना जरूरी है, first.html। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो सेव कर दिया मैंने। अब इसको ओपन करते हैं। ये देखिए आप, ये फाइल हमने बनाई है नोटपैड में, लेकिन इसको जब हमने सेव किया तो फाइल के नाम के आगे .html लगा दिया है। और .html लगाने का पर्पज़ ये है कि ये जो नोटपैड की फाइल है ये वेब पेज बन जाए। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ये आ गई है फर्स्ट नाम की। इस पर राइट क्लिक करके इसको मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए आपका एक सिंपल वेब पेज बन चुका है, सिंपल वेब पेज। इसके यहाँ पर हमने टाइटल के अंदर दिया था दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, जो कि टाइटल बार के अंदर लिखा हुआ आ चुका है यहाँ पे, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। और बॉडी सेक्शन में हमने दो लाइनें लिखी थी, तो वो दोनों लाइनें यहाँ पे देखें आप बॉडी सेक्शन में यहाँ पर लिखी हुई आ चुकी हैं। तो ये एक सिंपल वेब पेज बन चुका है। और इसके अंदर अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और इसमें आपको मैं कंटिन्यूसली लगभग 8-10 क्लासें लगाऊंगा, जिससे कि आपका थर्ड लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आप वो सभी क्लासें 1 बाय 1 देखें और अपना HTML को क्लियर करें। थैंक यू।